राज्य गौ सेवा आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अर्की नगर पंचायत द्वारा पशु विभाग के साथ लेकर अर्की नगर पंचायत में बेसहारा छोड़े गए बैलों को एक सुरक्षित स्थान भेजने का अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में लगभग 1.5 दर्जन बेसहारा बैलों को पशु विभाग, नगर पंचायत अर्की सहित अन्य लोगों की टीम के साथ इन बैलों को ट्रक में भरकर बद्दी के हांडाकुंडी नामक स्थान में भेजा गया। राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य दिनेश शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सोलन की सड़कों को 27 फरवरी तक बेसहारा गौधन से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हमने अर्की नगर पंचायत में जितने बेसहारा बैल थे उनको हमने विभाग की मदद से और अपने स्थानीय लोगों की मदद से इनको 2 ट्रकों हमने भेज दिया और तीसरा ट्रक हमारा और लोड होने जा रहा है, जिसमें लगभग 17-18 बैल हमने हांडाकुंडी नालागढ़ बद्दी के आसपास जो गौशाला है वहाँ भेजे हैं, जिसमें हमारे को अधिकतर हमें डॉक्टर साहब हमारे जो वेटरनरी वाले और उनके स्टाफ का और स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग मिला। ये समस्या जो हमारी लोगों की बड़े समय से आ रही थी और लोगों को ये बैल बड़े तंग करते थे कि रोज तीसरे दिन या दूसरे दिन रोज खबर आती थी किसी को बैल ने उठा दिया, किसका नुकसान कर दिया। तो एक जो लोगों की प्रमुख मांग थी इलेक्शन से पहले कि इन बैलों को यहाँ से हटाया जाए, उस मांग को हमने आज पूरा किया। आपका फैसला टीवी के लिए अर्की से नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।